व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अली राइड्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो अपनी बाइक की तरफ वापस चल रहा हूँ मैं। अब इसके ऊपर से ये दीवार के ऊपर से फ्लो होने का रुक गया। तो यहाँ से वापस घर की तरफ चल रहा हूँ मैं। अब ये देखो रास्ता एकदम फौजी बहुत छोटा है यहाँ पे। तो तीन दिन पहले वहाँ के गेट ओपन कर दो, फ्लो रुक गया वाटर का। सिटी से ऐसे देखने के लिए यहाँ पे, अगर ये वाटरफॉल का व्यू मिल गया होता तो अपने को एकदम बहुत ही बहुत अच्छा रहता था, मगर क्या करेंगे, टाइम खराब है अपना अब तक। और अपन वापस स्टार्ट होगा घर के लिए। तो आज की 420 किलोमीटर की राइड होने वाली है, 420 किलोमीटर की राइड होने वाली है इसके ऊपर। हमारे गांव में शादी हो रही है, इसके वजह से पूरे रोड के ऊपर गाड़ियां पड़ी हुई थी वहां पे। तो थोड़ा ये सब रोड के ऊपर आ गया मैं। यहाँ से अभी हाईवे के ऊपर चढ़ना है अपने को। हाईवे पे जाने के लिए 20 किलोमीटर का रास्ता है शायद यहाँ से। और अपन यहाँ पे आए जब 210 किलोमीटर बता रहा था, यहाँ से वापस घर को चेक करे तो 178 किलोमीटर दिखा रहा, एकदम 30 किलोमीटर का डिफरेंस बता रहा यहाँ से वापस जाते वक्त का। ये हाईवे तक गए तक ये कार वालों को फॉलो करते चलेंगे अपन, उसके बाद में अपन स्पीड चले जा सकते हैं वहाँ से। उसके बाद में ये लोग स्पीड चले जाते हैं अपने इसके हैदराबाद इंडिया गढ़ खम्मा। थैंक यू। तो ये खेती देखो क्या जबरदस्त दिख रही है यहाँ से। एक बार मैप में चेक कर लेके चलेंगे अपन, सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, क्या है ये। तो वे तो बराबर बता रहा, वही बराबर आ रहे अपन रास्ता। जो अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपन, आप यहाँ पे ये पूरा इधर ऊपर से आ रहा पानी है, उसके ऊपर चढ़ के पानी चढ़ रहा वहां से। आपको यहाँ का व्यू देखो, ये झाड़ देखो क्या जबरदस्त दिख रहे हैं, एकदम बहुत ही बहुत जबरदस्त दिख रहे हैं। ये इधर से पानी आ रहा ऊपर से, ये पानी इधर आके सामने इधर चल रहा है। अभी मैं ब्रिज के ऊपर ठहरे हुआ हूँ। ये अब जो डैम के पास आए थे अपन, उधर वो साइड पे था डैम, उधर से वापस आए, अब घर चल रहा है अपने को। तो ब्रिज के ये साइड का व्यू है। इधर जा रहा, यहाँ पे छोटा सा ब्रिज भी जा रही है पानी को रुकाने के लिए शायद, वो उसके ऊपर चढ़ के जा रहा पानी है। तो ब्रिज के ऊपर से दो गाड़ी एक साथ गए, लॉरी या बस, तो ब्रिज पूरा वाइब्रेशन हो रहा है, ब्रिज में वाइब्रेशन आ रहा पूरा। तो ब्रिज के ये साइड का व्यू बहुत ही बहुत जबरदस्त था यहाँ से, और वहाँ पे पहाड़ भी दिख रहा देखो। तो वहाँ से वो डैम के पास से 10 किलोमीटर आ गया मैं अब, और आगे चल रहा हूँ विजयवाड़ा की हाईवे रोड की तरफ, वहाँ से फिर हैदराबाद रोड पकड़ना है अपने को। तो पहुँच गया मैं हैदराबाद की हाईवे के ऊपर, यहाँ से भी 179 किलोमीटर बता रहा, वहाँ से भी 180 प्लस किलोमीटर बता रहा था। 30 किलोमीटर से करीब करीब आ गया हुआ अभी। तो वापस घर चल रहे हैं अपन अब।
तो ये ग्रीनरी देखो क्या दिख रही ग्रीनरी यहाँ पे। तो ये बाइक में एक प्रॉब्लम है, बैटरी का प्रॉब्लम दिख रहा है इसमें। सेल्फ स्टार्टिंग में थोड़ा लेट हो रही स्टार्टिंग में, दो तीन बार मारे तो ऐसा दिख रहा है कि ऐसा बैटरी उतर जाती है सर। वो छोड़ के भी बाकी सब ठीक है इसमें। ये देखो ये खड़े को कैसा रुका के रखा, देखो ये ट्रैक्टर को, ये टर्न कर रहा साला यहाँ पे, इन्हें अपने बाप की रोड समझ के लगा है साला इसकी। तो देखेंगे आगे कुछ ढाबे में कुछ खा सकते क्या अपन, या तो फिर सीधा घर चले जाना है, वो आगे देख के डिसाइड करेंगे क्या करना है अपन। सूर्या पेट 39 किलोमीटर से, और यहाँ से तो डैम के पास से 50 किलोमीटर आ गए अपन। और यहाँ का व्यू देखो आप लोग, क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है, वहाँ पे पहाड़ा दिख रहे और इधर पूरी खेती है। यहाँ पे 1900 की स्पीड में चल रही। पूरा तालाब है यहाँ पे एक, और वहाँ पे पहाड़ दिख रहा देखो। तो दो दो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही, अपना रिकॉर्डिंग हो रही अपनी आज की, मगर ये सामने वाला छोटा कैमरा तो ये कैमरे को ऑफ करके अंदर डाल दिया मैं बैग में। उसका एक छोटा सा माउंट ले लाया मैं उसके लिए, और रोटेट होते जा रहा हूँ तो उसके लिए उसको निकाल के अंदर बैग में डाल दिया मैं। तो अपनी राइड कंटिन्यू होते जा रही, ऑलमोस्ट एक 70 किलोमीटर हो गए अपने आप। स्पीड के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा करेंगे अपन। बाइक फर्स्ट गियर में आ गई, 45, सेकंड गियर 70, ये थर्ड गियर में है 97, फोर्थ गियर 112 तक खींचा फोर्थ गियर, ये फिफ्थ गियर में है गाड़ी। अब ये फिफ्थ गियर में 127 तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जाती है। यहाँ भी देखेंगे रोड खुली है आगे एकदम, ये कितना जाती है 124 दिखा रहा, 124, 125, 126 के ऊपर बढ़ रहा है ये, मतलब 125, 126 के ऊपर आया। अब 127 दिखा रहा, 128 के ऊपर माल ले रही है अब, मतलब इसका 125-126 लास्ट स्पीड थी। थोड़ा सा स्लोप था, स्लोप रहने की वजह से 127 तक गई है, वरना 125-126 लास्ट स्पीड है इसकी, उसके आगे न जाती है। तो एक एक गियर में कितनी स्पीड टच कर रही है वो देखिए अपन अब यहाँ पे। इसकी ब्रेक्स भी अच्छे ही है इसके,
इसमें ABS नहीं है ये मॉडल में। अब जो मॉडल आ रहा है उसमें ABS आ रहा है, ड्यूल चैनल ABS आ रहा है उसके साथ, ड्यूल चैनल ABS के साथ आ रही हो। यहाँ पे कुछ खा लेके जाएंगे अपन। यहाँ पे पब्लिक भी बहुत है। तो ये ढाबे पे लंच करने के लिए रुका था मैं, लंच हो गया, वापस चल रहा हूँ घर की तरफ। तो हैदराबाद 51 किलोमीटर है, और यहाँ से घर पहुँचने के लिए अपने को घर पहुँचने के लिए और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा है शायद। तो हैदराबाद 51 किलोमीटर दिखाया था अभी वहाँ पे 6 माइलस्टोन के ऊपर। तो अपन यहाँ पे देखो कितनी सारी ट्रैफिक आ गई। इधर लेफ्ट साइड सूरज बादल में छुप गया बात कैसे डिटैच होने के लिए। तो उधर टर्न करता है नहीं लो, इधर से आ रही ये किधर होता, ये किधर होता, ये एरिया के नाम गड़बड़ करता है बहुत। उधर से घुस के निकल जाना था मैं, उधर से हमारे को परेशान करके रखा। तो गाइस सिटी टच हो गई, वीडियो को करेंगे एंड। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।